कैलेंडर बनाना सिखाने जा रहे हैं। ये बर्थडे का कैलेंडर है, प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए, हमने 12 शीट ले लिए हैं। 12 शीट में सब लाइन खींच लिया गया है, जितने कॉलम है। हम लोग बहुत प्यारे प्यारे लाइटेड कलर यूज़ करने हैं। तो देखिए, हमने 12 शीट ले लिए हैं लाइटेड कलर के, उसमें लाइन्स भी बना दिए हैं। और अभी डॉम्स का ये पेन है, उसको यूज़ करेंगे संडे मंडे ट्यूज़डे लिखने के लिए। तो ये हम इसमें लिख देते हैं। फिर लिखने के बाद, प्रोजेक्ट करने के बाद, हम इसको उस बाइंडिंग के लिए देंगे। तो सबसे पहले इसको हम संडे मंडे लिखते हैं। यहाँ पे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लिख देते हैं और नंबर्स डाल देते हैं। ठीक है, सब जगह से लिख लेना। 12 पीस पे आपको लिख लेना है सब पे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। और उसके बाद हर पेज पे भी आपको हल्के की डिज़ाइन बना देनी है। तो ये हमने डिज़ाइन बना दिए। स्टेप्स आपको पूरा कंप्लीट करके लिखना है। अब इसको हम डेकोरेट करना शुरू करेंगे फर्स्ट कवर पेज। इसको हमने स्पाइरल बाइंडिंग कर दिया है इसके सपोर्ट में लगा करके, ये देखिए स्टेप से। और अभी इसको हम इस जगह से इसको चिपका देंगे, यहाँ पे इस जगह फोल्ड करके चिपका देंगे इसको। ये देखिए स्टेप चिपक जाएगा ये, तो ये पूरा मेरा स्टैंड रेडी हो जाएगा। स्पाइरल बाइंडिंग आपको करानी नहीं, आपको 30 या 40 रुपये स्पाइरल बाइंडिंग हो जाती है, ये आपको करवा लेना है। अब स्टेप बाई स्टेप हम इसको दिखा देते हैं आपको। हल्का सा डेकोरेट के भी कुछ भी फ़ोटो मुझे बाकी लगानी, आपको सबको ऐसा कलर कर लेना है। जो बर्थडे का डेट है उसको अच्छे से हाईलाइट कर देनी है। साइड में बलून बना दिए हैं, स्टार बना दिया है। स्टेप इसको आपको डेकोरेट कर लेना सारे पेजेस को यहीं तक। अभी मुझे कुछ स्टिकर्स लगाएंगे, मेरे पास कुछ मटेरियल है। मेरे पास कुछ बर्थडे के स्टिकर हैं, वो भी हम हर जगह लगा देंगे। ये जगह स्टेप के स्टार्स, आपको स्टिकर वाले स्टार मिल जाते हैं, सब मिल जाते हैं। बर्थडे कैंडल मिल जाए या प्रिंट आउट लगा के निकाल दिए, मेरे एक और वीडियो है उसको भी आप देख सकते हैं। तो अभी हम जहाँ जहाँ पे ये है उसको यहाँ पे स्टिकर को लगा देंगे। देखिए, हम सब स्टिकर्स में लगा दिए। ये जी स्टिकर ऐसे रखते हैं, स्टिकर आप सुंदर 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 स्टिकर लगा सकते हैं स्टेप से। जहाँ पे बर्थडे हो वहाँ पे स्टेप से लगा दीजिए आप। और सुंदर डेकोरेट कर सकते हैं, बस थर्ड क्लास के बच्चों का है तो ज़्यादा डेकोरेट हम नहीं करेंगे। ये देखिए स्टेप से, जहाँ पे बर्थडे वहाँ पे भी लगा दिया। ठीक है, ये रेडी हो गया। ये पीछे भी हमने शीट लगा दी गार्डन की, बच्चे का नाम यहाँ लिख दिया जाएगा। और ये बिल्कुल अच्छा सा कैलेंडर आपका रेडी हो गया। थैंक यू इस वीडियो के लिए। लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए आप इस वीडियो को।